महामंच से उठता है जीत का परचम तो बनता है नाम हर एक महारथी का। लेकिन अब फिर तलाश है इस मंच को ऐसी प्रतिभाओं की जिनके सुर से जुड़ेगा देश और जिनकी कला से महक उठेगी उनकी माटी की खुशबू। आ रहा है मेरा भी नाम होगा सीजन 2। और भी बड़े पैमाने पर तो अगर आपके सुरों में है दम और सोचते हैं कि इस मंच के हकदार हैं हम, तो उठाइए अपना फोन और भेजिए अपने वीडियोस हमारे व्हाट्सएप नंबर 8377009633 पर, क्योंकि हो सकता है कि अगला नाम हो आपका। बाद आपका स्वागत है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि देश में मौजूदा परिस्थितियां अयोध्या में राम मंदिर बनाने के अनुकूल है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए थोड़ा संयम की जरूरत है। कर्नाटक के उडुपी में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में संघ प्रमुख ने कहा, यह मुद्दा श्रद्धा का है, इसलिए मंदिर वही बनेगा जहां राम जन्म भूमि है। राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। श्री श्री रविशंकर की तथा कथित मध्यस्थता और मंदिर पर हो रही लगातार बयानबाजी के बीच बीजेपी के थिंक टैंक माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया। कर्नाटक के उडुपी में 3 दिवसीय धर्म संसद को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि विवादित जमीन पर कोई और ढांचा नहीं बनाया जाना चाहिए। अयोध्या में विवादित भूमि पर केवल राम मंदिर का निर्माण होगा। राम जन्म भूमि पर राम मंदिर ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, वही बनेगा, उसी प्रारूप में बनेगा, उन्हीं पत्थरों से बनेगा। संघ प्रमुख यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मंदिर को उन्हीं पत्थरों से बनाया जाना चाहिए जिसे अयोध्या में इसी उद्देश्य के लिए भेजा गया था। संघ प्रमुख ने उम्मीद जताई कि बहुत जल्द राम मंदिर के ऊपर भगवा झंडा लहराएगा। ये कोई हमारी पॉपुलिस्टिक घोषणा नहीं है, ये हमारी मन की श्रद्धा है, ये कभी बदलने वाली नहीं है, ये पक्की रहने वाली है और ऐसा ही प्राप्त करके हम रहेंगे। प्यार मोहब्बत से ही किसी चीज को करने में, जो मुल्क के लिए, क्योंकि मामला पूरी दुनिया के लिए एक इंटरनेशनल मुद्दा है और इस मुद्दे को आपसी भाईचारगी के जरिए से अगर हल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा बेहतर होगा। संघ प्रमुख के बयान के बाद इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि क्या 2019 के आम चुनाव में एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या विकास और वंशवाद की राजनीति के बीच राम मंदिर का मसला फिर सुलगने वाला है। श्री श्री रविशंकर और मोहन भागवत की बातों को मिलाकर देखें तो शायद यही तस्वीर बनती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक जो भी आप करना। संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलेगा जिसमें 14 कार्य दिवस होंगे। कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार गुजरात चुनाव की वजह से विंटर सेशन को बुलाने में देरी कर रही है। कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र में हो रही देरी को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी पत्र लिखा था। देखिए रिपोर्ट। संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा और 5 जनवरी तक चलेगा। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि शीतकालीन सत्र में GST से जुड़े 3 विधेयकों और किराए की कोख के नियमन संबंधी विधेयक सहित 9 विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र के दौरान तलाक संशोधन विधेयक 2016 भी पेश किया जाएगा। सूत्रों की माने तो हाल में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें 3 तलाक को लेकर नया कानून बनाने या मौजूदा दंडनीय प्रावधानों में उचित बदलाव करने पर चर्चा हुई।
इस बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने भाग लिया। माना जा रहा है कि सरकार की ओर से लाए जा रहे तलाक संशोधन विधेयक का मुस्लिम उलेमा विरोध करेंगे और संसद में इसे लेकर घमासान होने की उम्मीद है। सत्र के दौरान संविधान आदेश संशोधन विधेयक 2016 भी पेश किया जाएगा, जिसमें असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु और त्रिपुरा में अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित किया जाएगा। इस दौरान दो विधेयकों पर लोकसभा में विचार किया जा सकता है जो राज्यसभा से पारित हो चुके हैं और निचले सदन में लंबित हैं। इन विधेयकों में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख 2016 और मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 शामिल है। हम उम्मीद करते हैं 15 तारीख से जनवरी 5 तारीख तक का जो सत्र होगा वो सत्र सार्थक होगा और विपक्ष से और सभी पार्टियों से हम अपील भी करते हैं और इस संसद सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा करना होगा जनहित में। आमतौर पर शीतकालीन सत्र नवंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू होता है। बीते साल शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से शुरू होकर 16 दिसंबर तक चला था। इस बार दो राज्यों में चुनावी प्रक्रिया जारी रहने की वजह से शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार ने चुप्पी साध रखी थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र को बुलाए जाने में हो रही देरी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। कांग्रेस का कहना था कि मोदी सरकार गुजरात चुनावों से पहले सत्र के दौरान सवाल जवाब से बचना चाहती है। इस संबंध में कांग्रेस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र भी सौंपा था, जिसमें पार्टी ने उल्लेख किया था कि पहले भी विधानसभा चुनावों के दौरान कभी संसद सत्र के बुलाने में देरी नहीं हुई। पार्टी ने पत्र में याद दिलाया कि 2012 में गुजरात चुनावों में 13 और 17 दिसंबर को हुए थे, लेकिन संसद का सत्र समयानुसार 22 नवम्बर से 20 दिसंबर तक चला था। तो वो नहीं चाहते कि पार्लियामेंट ठीक ढंग से चले और सारे राष्ट्र के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, तो ये उनकी मंशा है। तो ये डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि विधानसभा चुनावों के वक्त पहले भी संसद सत्र को टाला जाता रहा है, हर बड़ा नेता चुनाव प्रचार में लगा है और ऐसे में संसद सत्र का टालना नई बात नहीं है, कांग्रेस के वक्त भी ऐसा कई बार हुआ है। फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष की नोकझोंक अब 15 दिसंबर से संसद के भीतर भी देखने को मिलेगी। विपक्ष नोटबंदी, राफेल डील में गड़बड़ी, जीएसटी का गलत तरीके से लागू किया जाना, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कल संविधान दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गीता मित्तल, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस सिस्तानी, जस्टिस मनमोहन सरीन और जस्टिस संगीता ढींगरा भी शामिल हुई। उनके अलावा जिला और सत्र न्यायाधीश पूनम ए बम्बा, संजय जैन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रूपिंदर सिंह सूरी भी शामिल हुए। The constitution was being enacted when it was at the final stages and Dr. Ambedkar had to give his speech. Babu Rajendra Vasad, who was then the president of the Constituent Assembly, when he had to give his speech, they both pointed out one very important thing. Then you may have a wonderful constitution, you may have wonderful institutions, but if the people are not manning them properly, if the people are not implementing the laws properly, well, nothing can be done about it.